गुट के सांसद राहुल सेवाड़ी ने शिवसेना के नेता, युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे जी के ऊपर जिस प्रकार से बात रखी है, भाष्य किया है, बदनामी की है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, एक तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला सीबीआई ने उसकी जांच की है और वो फाइल क्लोज हुई। उस वक्त 2 साल पहले महाराष्ट्र में जो आज के सत्ता में लोग हैं, जो अपोजिशन में थे उस वक्त, देवेंद्र फडणवीस बिना वजह आदित्य को बदनाम करने की कोशिश, तो महाराष्ट्र पुलिस ने जांच की, सीबीआई ने जांच की, बिहार पुलिस भी बीच में आ गई। क्या मिला उसमें, क्या था उसमें, सामने आया है उसका आत्महत्या और बहुत सी बातें सामने आ गई, लेकिन वहां कहीं भी न आदित्य ठाकरे का संबंध आया, न और किसी का शिवसेना से कोई संबंध आया। कल वापस कोई कारण नहीं, राहुल शेवाड़े जो एक एमपी है, उनके खुद के ऊपर बहुत से इस प्रकार के गंभीर केसेस और जांच चल रही है ना, प्रियंका जी को मालूम है सब, आदित्य को टारगेट किया कर बदनामी करने की कोशिश की, विधानसभा में आज वही मुद्दा आ गया। यह इसलिए किया गया कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का एक लैंड स्कैम, जमीन घोटाला 110 करोड़ का हम लोगों ने बाहर निकाला। नागपुर एनआईटी, नेशनल नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के 16 जो जमीन के टुकड़े हैं, भूखंड है, वो गैर कानूनी ढंग से अपने बिल्डरों को बेच दिया, जिसके ऊपर हाईकोर्ट का स्टे रहा। वो पूरा मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में भी कहा कि ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है, आप कैसे बेच सकते हो, उसमें घोटाला हुआ है। ये पूरा मामला बनता है मुख्यमंत्री का इस्तीफे का, क्योंकि वो महाराष्ट्र में नगर विकास मंत्री थे, उस वक्त ये घोटाला किया है और मुख्यमंत्री होने के बाद उसके ऊपर फाइनल मोहर लगाई। अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्वतः का घोटाला करते हैं, जमीन घोटाला करते हैं, और उस बारे में अपोजिशन विधानसभा में, विधानसभा के बाहर उनसे सवाल पूछती है और एक हंगामा होता है, उनकी इस्तीफे की मांग होती है पूरे राज्य से, तो वहां से लोगों को विचलित करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए कल इस प्रकार का मुद्दा लाया है। लेकिन ऐसे मुद्दे से ये भ्रष्टाचार के ऊपर का हमारा जो लक्ष्य है हटेगा, हम ये मुद्दा जो है 110 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ की जमीन 2 करोड़ में अपने लोगों को दे दी, ये पूरा घोटाला 110 करोड़ का है, ये मुद्दा उठेगा, उठता रहेगा, हम चुप बैठेंगे, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये मुद्दा हमने नहीं उठाया है, उनको लगता है कि हमने उठाया नहीं, ये मुद्दा महाराष्ट्र में जिसके समर्थन से ये सरकार में बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने यह मुद्दा उठाया है भाई। ये बीजेपी की मांग है कि इतना शिंदे की जांच करो, और उनके 2 MLA हैं, ये एक स्टार क्वेश्चन पूछा है विधानसभा में चंद्रशेखर बावनकुले, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जो आ है और शिंदे गुट में अंदर एक टकराव जो चल रहा है, उसमें से ये मुद्दा सामने, ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है बाहर, हम तो बाद में आ गए। बावनकुळेंनी कधी हा